हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती के संबंध में अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपकी जो भर्ती रहेगी दोस्तों, मध्य प्रदेश में अग्निवीर के रूप में आपको यहाँ पर आवेदन भरना है, ठीक है। तो आवेदन भरने से पहले आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, ऑनलाइन, ठीक है। आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, दस्तावेज क्या क्या आपको लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो हायर बुक क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी, और पूरी आपको यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होता है वो कहाँ से आपको देखना करना है, सीखना है, और टाइपिंग टेस्ट वो कहाँ से आपको सीखना है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के इसके प्रकार वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। आप लोगों दोस्तों मेरा यही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लें, सब्सक्राइब देख रहे आपको बटन, इस पर क्लिक कर लें ताकि मध्य प्रदेश की पल पल की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए हम चलते हैं, पहले बताते हैं आप लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है ना ऑनलाइन वो कहाँ से करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है इनकी पोर्टल पर। आप लोग यहाँ पर आओ इंडियन आर्मी के पोर्टल पर, यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए आपको इस पेज पर आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना आनी पड़ेगा इससे पहले वो ही मैं इस वीडियो बताऊंगा। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो क्या क्या आपके पास चाहिए पड़ेगा स्टार्ट में। तो हम बात कर लें दस्तावेज की। तो देखिए पहला आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है आधार कार्ड, ठीक है, और 10वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है पहला। दूसरा आपको स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो आपको स्कैन करना पड़ेगा 5 से 10 KB के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट फोटो, आपको लेटेस्ट फोटो खिंचवाना पड़ेगा जो 5 से 20 KB के बीच में रहेगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है, उसका OTP आएगा। और एक्टिव आपकी जो रहेगी ईमेल ID आपको रखना है। इसके पश्चात मार्कशीट ऑफ द क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी आपके रहेगा संबंध मांग जाएगी इस पर, ठीक है। और आपका एड्रेस डिटेल्स ये आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। ये रहेगा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमें आप और बात कर लेते हैं, इसके पश्चात आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को जो निर्देश है वो आप लोगों को पढ़ लेना, पूर्ण निर्देश, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को पेज है वो आ गया, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग करते हो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपके पास आधार कार्ड है कि 10वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सिलाई करना पड़ेगा। मान लो मेरा आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे मान लो मैंने कि 10वीं, मैं यहाँ पर 10वीं डालता हूँ और फाइन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये इस तरह का यहाँ पर पेज आ जाएगा। यहाँ से मुझे मेरा जो रहेगा मेरी 10वीं की बोर्ड वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से बोर्ड का नाम कौन सा बोर्ड है, MP बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड रहेगा। तो मान लो मेरा MP बोर्ड है तो मैं यहाँ पर MP स्टेट एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर कर लेता हूँ। ईमेल ID और यहाँ पर, ठीक है, रोल नंबर डालना पड़ेगा, आपने कब पास की वो, और फुल नेम, ठीक है, ये आपको डाल के फाइन पर क्लिक करना, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ से कर लेना आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको देखिए यहाँ पे आपको आवेदन कब से करना वो देख लो। देखिए 8 फरवरी से की जो आवेदन दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ हो जाएंगे। इससे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जो मैंने बताया वो आपको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ बताया कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से 21 मार्च तक चलने वाली है, ठीक है। आवेदन अग्निवीर पोस्ट स्किल जनरल रहेगी, तकनीकी क्लर्क रहेगा, ये आपका पद रहेगा। कौन कौन सा पद रहेगा, जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेसमैन, RT पास मांगा जाएगा, ठीक है। ट्रेसमैन में 10वीं पास मांगा जाएगा यहाँ पर। अग्निवीर महिला के लिए सेना पुलिस, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट, बेड सिपाही, फार्मा, हवालदार, SSC और धर्मगुरु के पदों के यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसकी परीक्षा अप्रैल और मई में यहाँ पर की जाएगी, मतलब आपकी परीक्षा कब होगी, अप्रैल मई में यहाँ पर आपकी हो जाएगी। यहाँ पर संभावना बताइए उम्मीदवारों या ID और पासवर्ड साइट पर बनाकर रखें, मतलब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर रखना है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए अग्रवी बनने का पहला यह मौका मिलने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए आपकी जो यहाँ पे एज रखी गई दोस्तों, न्यूनतम 17.5 वर्ष और अधिकतम रहेगी आपकी 23 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर एज बता दी गई है। इसके पश्चात आपकी जो यहाँ पर देखिए मेल की जो हाइट मांगी गई है दोस्तों, देखो 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन पद रहेंगे, किस पद के लिए क्या युक्त आपकी यहाँ पर रहने वाली वो आप लोग देख लो। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पहली रहेगी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पर कक्षा आपने 10वीं पास किया हो
45% अंकों के साथ, ठीक है। दूसरा अग्निवीर टेक्निकल की आपने 12वीं पास किया हो 50% अंक के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन दी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, यहाँ पे तीन अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। एक रहे क्लर्क में, स्टोर कीपर में और टेक्निकल, यहाँ भी 12वीं पास मांगा हुआ है 60% मार्क के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास आईटी प्लस होना चाहिए, ठीक है, 12वीं प्लस। यहाँ पे अग्निवीर ट्रेसमैन 10वीं के लिए 10वीं पास मांगा हुआ 33% मार्क के साथ, और अग्निवीर ट्रेसमैन आरटी पास सिर्फ आरटी पास मांगा हुआ 33% के साथ, ठीक है। ये रहेंगी क्वालिफिकेशन, ये रहेगा आपका पास, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो सैलरी वो कैसे मिलती है, वो देख लो एक बार आप सैलरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी रहेगी सैलरी, प्रथम वर्ष में आपको ये मिलने वाले 30,000 रुपये प्रतिमा है, ठीक है, यहाँ पर। फिर द्वितीय वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में, ठीक है, आपको 36 के आसपास, और चौथे वर्ष में आपको 40,000, ये आपको मिलने वाला पूरा, ठीक है। यानी आपको ये पूरा यहाँ पर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और 4 साल बाद आप लोगों को यहाँ पर सेना निधि पैकेज के रूप में 11 लाख, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये मिलने वाला पूरा, ठीक है, ये आपको पूरा रहने वाला है 4 वर्ष के बाद, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा अब हम देख लेते हैं फिजिकल, आपका जो फिजिकल रहेगा वो किस प्रकार होने वाला वो देख लो आप एक बार। फिजिकल आपका जो फिजिकल रहेगा दोस्तों, फिजिकल के लिए आपका ये रहने वाला है पूरा यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, पूरा फिजिकल आपको ये चाहिए पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ, अब देखिए यहाँ पे यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको टेस्ट करना है ये आज की एलिजिबिलिटी भाई आप उस लायक है कि नहीं, तो यहाँ से आप लोग का ये वाला फॉर्मेट भर सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर जाकर। यहाँ पर आप लोग डाल दें आपका राज्य का नाम, तो मान लो मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं जिले का नाम डाल लेता हूँ, जो भी जिला रहेगा मैंने वो डाल दिया, और यहाँ पर तहसील का नाम डाल लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो कितनी वो आपको डाल लेना, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, योग्यता, ठीक है। तो ये आप लोग भर के यहाँ पर चेक कर लेना है कि भाई उस आप लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य है अथवा नहीं, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कि देखिए यहाँ पर आप लोग जाओगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जाएगा लिस्ट, ठीक है, कि भाई देखिए यहाँ पर आपका जो मार्कशीट रहेगी 10वीं मार्कशीट, उसमें आपको मेन चीज़ क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या मान लो देखना है कि वो सही है कि नहीं मार्कशीट में। पहले आपको देखना है आपका नाम सही है कि नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो नंबर रहेगा एज बोर्ड, ठीक है, बोर्ड बोर्ड वाला और नंबर आपका नंबर वो आपका सही है कि नहीं, यहाँ पर चेक करना है। दूसरा आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है, आपका मूल निवास यहाँ चाहिए, आपका जो फ़ोटो मैंने बता दिया 10 से 20 सिग्नेचर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना अनिवार्य यहाँ पर रहने वाला है। अब हम बात दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी टेस्ट आपको ऑनलाइन कैसे चेक करना है भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जाओगे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरा आपके सामने पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप लोग जो किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जाकर, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको क्लिक करना है वो क्लिक कर लें, ग्रुप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने प्रैक्टिस टेस्ट खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से आप लोग कर लेना जाकर सब लोग, ठीक है, जो भी आपका रहेगा तो यहाँ टिक करके आप लोग कर सकते हो, वो सिलेक्ट लैंग्वेज हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, ठीक है, ये आपके सामने प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं आप लोग दूसरा, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से टाइपिंग टेस्ट भी आप लोग देख लेना किस तरह टाइपिंग टेस्ट आता है, तो वो लोग भी आप लोग यहाँ से टाइपिंग भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो आगे करने एग्जाम देने में, ठीक है, या पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन यही होने वाली थी मेन, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों, ठीक है, आपको भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक यू।